हिवाळी मोसमातील फळांनी एपीएमसी बाजार चांगलाच बहरलाय. हिवाळ्यात सफरचंद, संत्री आणि मोसंबी या फळांचं आधिपत्य बाजारात गाजत असतं. त्याचप्रमाणे बाजारात कलिंगड, अननस, डाळिंब यांचीही मागणी अधिक असते. बाजारात नव्याने आलेल्या सफरचंद, संत्री, मोसंबी या फळांविषयी व्यापाऱ्यांनी अधिक माहिती दिली. संतरा जो है दो टाइम होता है, एक ठंडी एक गर्मी. अभी ये ठंडी का संतरा है, ये तकरीबन जनवरी लास्ट तक चलेगा. और फिर जो गर्मी का संतरा है वो मार्च से चालू होता है. अभी जो ये संतरा जो आ रहा है ये जनवरी लास्ट तक चलेगा. और इसकी क्वांटिटी समझ लीजिए कि मंडी में 50 गाड़ी से लेकर 60 लॉरी तक आ रही है. एक गाड़ी में 8 टन से लेकर 10 टन तक माल आता है. संतरा अच्छे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, इसलिए कि ये संतरे थोड़े मोटे होते हैं और गर्मी के संतरे की जो है ना थोड़ी साइज कम होती है, ये वजह से. और मीठा संतरा ज़्यादातर गर्मी का संतरा होता है, ठंडी का संतरा थोड़ा मीठापन कम होता है. लेकिन इस साल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा मिलने, पानी ज़्यादा होने की वजह से इस साल ज़्यादा है. ठंडी का सीधा है सीजन है ये, क्वालिटी अच्छी रहती है, माल अच्छा है. देख इस बार बारिश बहुत हुई इसलिए ठंडी का संतरा जो है बहुत मीठा है और बहुत अच्छा है मीठा खाने में. हिंदुस्तान में दो स्टेट में होते हैं, एक हिमाचल प्रदेश और एक कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में. और कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो बाद में एप्पल होता है, पहले हिमाचल में होता है. तर तेथे दुसरीकडे बाजारात नव्याने आलेल्या स्ट्रॉबेरी अधिक दरात विकल्या जात आहेत. परदेशाहून आलेले मिनी ऑरेंज आणि किवी फ्रूट्सची मागणीही बाजारात अधिक आहे. ॲक्च्युली अभी मोसंबी जैसे नया आया, संतरा भी नया जैसे फल आ रहा है, तो संतरा बेसिकली अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और हेल्थ वाइज भी देखते हैं, काफ़ी फाइबर भी है उसमें. तो स्पेशली जैसे हम लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो मॉर्निंग में फ्रूट्स तो चाहिए ही चाहिए हम लोग को. तो APMC चूँकि यहाँ नियरेस्ट है हम लोग को, तो इट्स अ ग्रेट एडवांटेज टू मी. डेफिनेटली अब जैसे विंटर के, जैसे जो विंटर में अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो डेफिनेटली रेगुलरली सारे मिलते हैं और अच्छे उसके रेट्स कंपैरेटिवली हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट्स. तो हिसाब से तो अच्छा ऑप्शन, एनी टाइम ऑप्शन अच्छे हैं, बेटर है और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस.